हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चांद कैंटीन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमेटो पास्ता। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पास्ता बनाने के लिए आधा शिमला मिर्च, दो टमाटर, एक गाजर, एक प्याज, दो हरी मिर्च और चार पांच लहसुन की कलियाँ, जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। पास्ता उबालने के लिए हम एक कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें एक लीटर तक पानी दिए, उसमें और टेस्ट के मुताबिक नमक और हल्का सा ऑयल और दो कप इसमें हम पास्ता डाले हैं। इसे 2 मिनट ढक के पका लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, 50% ही पकाना है। देखिए पास्ता हमारा पक गया, बस इतना ही इसे पकाना है। अब इसे गैस बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। अब टमाटर फ्राई करने के लिए 1 चम्मच ऑयल लिए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल के इसका हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा, सिर्फ सॉफ्ट होने भर इसको फ्राई करके इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए सॉफ्ट हो गया हल्का सा। अब इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें, फिर इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसे मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई और 2 चम्मच ऑयल लेंगे, लहसुन, हरी मिर्च और इसे हल्का सा चला लें और जितनी भी सब्जी हम काट के रखे हुए हैं सभी सब्जी को इसमें डाल देंगे। सभी सब्जी को इसमें डाल के हल्का सा चला लें और 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब हल्का सा टेस्ट के अनुसार नमक और सभी को हम मिक्स कर देंगे। और नमक हमें वही मुताबिक से लेना है, क्योंकि पहले भी हम पानी में डाले हुए थे पास्ता में, इसीलिए उसी मुताबिक से आप नमक लीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। और टमेटो पेस्ट जो बना के रखे हैं उसे भी इसमें हम डाल दें और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। और भी बेहतरीन टेस्ट के लिए हम इसमें टमेटो सॉस डालेंगे। हम 2 चम्मच टमेटो सॉस लिए हैं, 2 बड़ी चम्मच है। इसे हम मसाले में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा और हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो गया मसाला। अब हम इसमें हल्का सा वाटर डालेंगे। 1 कटोरी वाटर डाली हूँ मैं इसमें, जिससे कि हमारी सभी सब्जियाँ अच्छी तरह से पक जाएगी और इसमें हम पास्ता भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब सभी पास्ता को इसमें हम डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए, मिक्स कर लेंगे और इसे हम स्लो हीट में 2 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। क्योंकि ये पहले से ही 50% पका हुआ है, इसीलिए हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए हमारा 2 मिनट पूरा हो गया। देखिए हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया, कितना सुंदर, कितना अच्छा पास्ता बनकर तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर लेते हैं, अब इसे सर्व कर लेंगे। एक प्लेट में हम सभी को निकाल। इस तरह का पास्ता आप एक बार ट्राई करेंगे तो हर बार बनाना पसंद करेंगे।